आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अध्ययन करते होंगे तो एक क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करता होगा कि निर्भरता सिद्धांत क्या है या पारश्रयवादी सिद्धांत क्या है, जिसे इंग्लिश में हम डिपेंडेंसी थ्योरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्स में आपसे कुछ इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के पारश्रयवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या निर्भरता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है इसको समझाइए। तो जब ये क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सही से आंसर नहीं लिख पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस स्टडी सेंटर में और आज का हमारा विषय है निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू या फिर डी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे वो SOL के स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट्स हो। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इस थ्योरी की शुरुआत कब हुई या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस प्रकार से हुआ। तो आंद्रे गुंदर फ्रैंक एक बहुत बड़े विद्वान हुए राजनीति के, उनके द्वारा इस डिपेंडेंसी थ्योरी को जन्म दिया गया या उनके द्वारा इसके बारे में लिखा गया। और ये उन्होंने कब लिखा, 1967 में उन्होंने निर्भरता सिद्धांत या पारश्रयवादी सिद्धांत के बारे में लिखा। और ये लिखा उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था पूंजीवाद और लैटिन अमेरिका का अल्पविकास। इस पुस्तक के द्वारा ही इस थ्योरी को कम्प्लीटली समझने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा पारश्रयवादी जो सिद्धांत है ये आंद्रे गुंदर फ्रैंक के थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड है और जानेंगे कि ये क्या होता है। कुछ और अगर लेखकों की बात करें जिनमें से रॉल प्रेविस, एनर्जी फालेती और फर्नांडी कॉर्डोसी, तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने इस विचारधारा या इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया या इसके बारे में उन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा। दोस्तों अगर आपको इस विषय पर PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए यहां पे इग्नू से और DU से संबंधित पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो लेक्चर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक्स पर मिलने वाले हैं। आप कमेंट कर सकते हैं आप मुझे कि किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए। तो हमने बात की कुछ और विद्वानों की जिन्होंने पारश्रयवादी सिद्धांत के ऊपर लिखा या उसके बारे में कुछ बात कही। अब पारश्रयवादी सिद्धांत या निर्भरतावादी जो सिद्धांत है, तो इन विद्वानों का मानना था कि जो अल्पविकसित देश है वो दुनिया के पूंजीवादी व्यवस्था के जो देश है उनसे जुड़े हुए हैं। देखिए विश्व में दो प्रकार के हमें देश देखने को मिलते हैं सामान्य तौर पर बात करें। वैसे अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी कैटेगरी बन जाएगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं विकसित और अल्पविकसित की। तो विकसित बनाम अल्पविकसित का यह पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है आज। तो इसमें पारश्रयवादी सिद्धांत के विद्वान कहते हैं कि जो अल्पविकसित देश है वो अल्पविकसित देश पूंजीवादी व्यवस्था से यानी विकसित देशों से जुड़े हुए हैं। और इसका क्या परिणाम निकलता है कि ये पुरानी साम्राज्यवादी ताकतों के आज भी उनके वर्चस्व में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि देखिए इन जो हम तृतीय विश्व की बात कर रहे हैं, या हम कह लें तृतीय विश्व या फिर हम कह रहे हैं अल्पविकसित विश्व, ठीक है, तो इनका अर्थ है कि ये देश वो है जो पहले कभी ना कभी साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन रहे हों, जहाँ पे उपनिवेशवाद रहा हो, तो हम उन देशों की बात कर रहे हैं। और ये साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद समाप्त तो हो गया, लेकिन क्योंकि ये सारे देश आज भी पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो ये एक प्रकार का साम्राज्यवाद का ही रूप है, जिसे हम नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। तो ये कहा उन पारश्रयवादी सिद्धांत ने। पारश्रयवादी सिद्धांत जो है हमें ये बताता है कि ये एक ऐसा दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार अमीर देश को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने आसपास के गरीब देशों के एक समूह की आवश्यकता होती है। इसको थोड़ा और इजी करके आपको समझाता हूँ। देखिए पारश्रयवादी सिद्धांत के विद्वान कहते हैं कि विश्व के जो विकसित देश हैं उनको विकसित रहने के लिए या फिर अपना और ज़्यादा विकास डेवलपमेंट करने के लिए, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ देशों के समूह की ज़रूरत होती है। कौन से देशों के समूह, वो देशों के समूह जो अभी भी पिछड़े हुए हैं और अल्प विकसित हैं। वो किस लिए चाहिए होता है इनको, ताकि ये उनका शोषण कर पाए, उनके संसाधनों पे कब्जा कर पाए, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके खुद पावरफुल बन पाए। तो ये थ्योरी बताती है हमें पारश्रयवादी सिद्धांत कि किस प्रकार से डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अनडेवलप्ड कंट्रीज़ का शोषण किया। पारश्रयवादी सिद्धांत हमें बताता है कि परिधि के देश इसलिए गरीब नहीं है
देखिए विकसित बनाम अल्पविकसित की बात कर रहे हैं, जिसे हम अन्य भाषा में केंद्र बनाम परिधि भी कह सकते हैं या फिर केंद्र या परिधि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो पार्श्ववादी सिद्धांत यह हमें बताता है कि परिधि के देश या अल्पविकसित देश इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे वैज्ञानिक क्रांति नहीं हुई। कहते हैं कि ये कारण वास्तविक है ही नहीं, इनके पिछड़ेपन का वास्तविक कारण है यूरोपीय देशों द्वारा शोषण। यूरोपीय कंट्रीज जितने भी हैं इन देशों ने इन अल्पविकसित देशों का शोषण किया, जिसकी वजह से ये आज भी अल्पविकसित है, जिसकी वजह से आज भी ये पिछड़े हुए हैं। अब ये शोषण देखिए किस प्रकार से किया इन्होंने। एक तो कच्चे माल के लिए इन्होंने इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया, एक मार्केट के रूप में इनको हमेशा देखा, यहाँ से कच्चा माल ले गए, सामान बना के और इन्हीं के मार्केट में आके फिर से हाई प्राइस पे बेच दिया। और एक और यूज़ करते हैं इनका सस्ते श्रम के लिए, इन कंट्रीज़ में आए, निवेश किया, उद्योग धंधे स्थापित किए और बहुत लो कॉस्ट पे एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया, यानी सस्ता श्रम इनको इन देशों में मिल जाता है। पारिश्रम्यवादी सिद्धांत हमें आगे बताता है कि ये जो देश है, अमीर देश है, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं जिससे इनका हमेशा डेवलपमेंट बना रहे। तो पारिश्रम्यवादी सिद्धांत बताता है कि जो विकसित देश है इस स्थिति को, यानी ये जो शोषण की स्थिति है, इसको हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो अनेक प्रकार की नीतियों को अपनाते हैं। और इन नीतियों की बात करें तो कौन कौन सी नीतियाँ होती है, देखिए इन नीतियों में क्या करते हैं, वो कब्जा सिद्धांत के ऊपर वर्क करते हैं, यानी हर चीज़ पे अपना कब्जा कर लो, अपना अधिकार जमा लो। अर्थव्यवस्था की बात हो, अपना अधिकार जमा लो, सबसे ज़्यादा जो इसमें पार्टिसिपेंट्स किसका होगा भैया, अमेरिका का। संचार माध्यमों की बात करो, इस पे भी विकसित देशों का कब्जा जमा लो अपना। राजनीति की बात हो, किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स हो, उसमें इंटरफेरेंस करना हो भैया, अमेरिका से करवा लो। कश्मीर का मुद्दा है, इसमें हम बात करेंगे। तो हर चीज़ में इन्होंने टांग अड़ाने की कोशिश की और हर चीज़ में कब्जा किया। अर्थव्यवस्था, संचार साधन, राजनीतिक, बैंकिंग, बैंकिंग और वित्त देख लीजिए, जितने भी इंटरनेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, एक तो उनके ऊपर कब्जा इनका, और दूसरा विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, इन सब पे भैया बड़े और विकसित देशों का कब्जा। यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी इनका कब्जा, स्पोर्ट्स पे इनका कब्जा और मानवीय संसाधन, इन सारे चीज़ों पे इन्होंने कब्जा सिद्धांत को अपनाया ताकि अपना डेवलपमेंट बना रहे और हम इन छोटे देशों का हमेशा शोषण करते रहे। यह एक प्रकार की ऐतिहासिक परिस्थिति है जो पारिश्रम्यवादी सिद्धांत है वो कहता है कि इनका पिछड़ापन एक प्रकार का ऐतिहासिक परिस्थिति है, और इस ऐतिहासिक परिस्थिति कारण अर्थव्यवस्था जो है उसको इस प्रकार से आकार दिया जाता है या इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाया जाता है ताकि उसका अधिकतम लाभ जो है इन विकसित देशों को मिल सके। सेकंड पॉइंट, अर्थव्यवस्था में जो है इनको, एक तो फर्स्ट चीज़ क्या हो गया कि अधिक लाभ विकसित देशों को मिल सके, उसके बाद जो निम्न देश है यानी जो अल्पविकसित देश है उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, हमेशा कमजोर बनी रहे। इसके अलावा इनकी एक मंशा क्या है कि कुछ देशों के समूह की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है उन देशों के विकास पर निर्भर करती है। अब देखिए इसका क्या परिणाम निकला कि जितने भी अल्पविकसित देश हैं वो टोटली डिपेंड हो जाते हैं विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पे, जिसके अधीन वो आते हैं उसके ऊपर डेवलप उन्हें डिपेंड होना पड़ता है ताकि भैया हमें भी उसका कुछ लाभ मिल सके। तो ये मजबूरी का फ़ायदा उठा जा रहा है वेस्टर्न कल्चर्स के द्वारा, या कह सकते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा। अब हम कुछ बात करें अगर पारिश्रम्यवाद की विशेषता के बारे में, तो इसकी विशेषता क्या है कि एक तो ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। ऐतिहासिक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि ये कोई आज से शोषण चला हुआ नहीं आ रहा, ये हम बात करें अगर 18वीं शताब्दी से लेकर या 17वीं शताब्दी या भी उससे भी पहले, तो ये शोषण उस टाइम से ही चला आ रहा है जब विश्व में साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद ने पैर पसारना शुरू किया था। तो ये उस समय की घटना है और उस समय से लेकर आज तक ये स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। और इसमें क्या देखने को मिलते हैं, इसकी जड़ें जो है पूंजीवादी समाज से जुड़ी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण कौन कर रहा है, पूंजीवादी समाज ही कर रहा है, जिसके पास कैपिटल है, उत्पादन के साधन है जिसके पास, वो क्या कर रहा है, इन छोटे देशों का, छोटे लोगों का, गरीब व्यक्तियों का शोषण कर रहा है। एक और इसकी विशेषता है कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है जिसमें दो प्रकार के देश होते हैं, पारिश्रम्यवादी सिद्धांत की विशेषता क्या है कि ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाता है जिसमें दो प्रकार के हमें देश देखने को मिलते हैं, केंद्र और परिधि कह ले या फिर गरीब और अमीर कह ले, तो ये दो देश सामने हमारे देखने को मिलते हैं। और विकास के लिए जो है
हमेशा अल्पविकसित देश को विकसित देशों पे आश्रित रहना पड़ता है या निर्भर रहना पड़ता है। अब अगले हेडिंग की ओर आते हैं। अगला हेडिंग है हमारा मान्यताएं, यानी पारिश्रव्यवादी सिद्धांत की क्या मान्यताएं। तो पारिश्रव्यवादी सिद्धांत बताता है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति, इन सबका केंद्र बिंदु कौन है? औद्योगिक देश। तो औद्योगिक देश यानी विकसित देश, तो इन सबका राजनीतिक शक्ति का और आर्थिक शक्ति का जो केंद्र है, जो सेंट्रल है, वो क्या है? औद्योगिक या फिर विकसित देश है। पारिश्रव्यवादी सिद्धांत की एक मान्यता यह है कि ये बताता है हमें कि आज साम्राज्यवाद का तो अंत हो गया, लेकिन साम्राज्यवाद का अंत जो है पारिश्रव्यवाद यानी निर्भरता सिद्धांत का अंत नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि साम्राज्यवाद आज भी नव साम्राज्यवाद के रूप में विश्व के हर कोने में मौजूद है, जो लगातार अल्पविकसित देशों का शोषण करता आ रहा है। इनकी एक और मान्यता वो संबंधित है विकासहीनता तथा अल्प विकास के अंतर से। अब ये दोनों में अंतर बताते हैं कि विकासहीनता क्या है और अल्प विकास क्या है। तो विकासहीनता का जो अर्थ बताया पारिश्रव्यवादी सिद्धांत में कि इसका अर्थ होता है संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग किया ही ना गया हो। देखिए, किसी कंट्री का डेवलपमेंट उसके नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं। तो विकासहीनता का तो अर्थ यह होता है कि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही से यूज़ ही नहीं किया, चाहे हम पेट्रोलियम पदार्थ का बात करें, खनिजों की बात करें, ऊर्जा स्रोत की बात करें या किसी भी चीज़ की, तो उन्होंने सही से यूज़ नहीं किया, इसको कहते हैं विकासहीनता। और अल्प विकास का अर्थ है कि इन देशों ने, अल्प विकसित देशों ने संसाधनों का तो सही प्रकार से प्रयोग किया, लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिला और ये लाभ मिलता है बड़े और अमीर देशों का। तो उनको लाभ मिल रहा है विकसित देशों के क्रियाकलाप से। जो अल्प विकसित देश हैं अपने संसाधनों का तो अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकतम लाभ जो है विकसित देश ले जा रहे हैं। एक अगली मान्यता ये है कि ये देश इसलिए गरीब नहीं है कि यहाँ पे वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। पारिश्रव्यवादी सिद्धांत बताता है कि अल्प विकसित देश इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, बल्कि ये इसलिए गरीब है क्योंकि आपने इनका शोषण किया, यानी यूरोपीय कंट्रीज ने इनका शोषण किया। शोषण किस प्रकार से? इनको दबाकर, इनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करके, इनका कच्चा माल के लिए यूज़ करके, सस्ते श्रम का इनका यूज़ करके, और एक मार्केट प्लेस की तरह इनका यूज़ करके लगातार इनका शोषण किया जाता आ रहा है, जिसकी वजह से ये आज भी पिछड़े हुए हैं। पारिश्रव्यवादी सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में संसाधनों को केवल विकसित देशों द्वारा ही नहीं, अल्प विकसित देशों के एक विशिष्ट वर्गों द्वारा भी इसका नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है। नेगेटिव इस प्रकार से, देखिए, एक तो जो विकसित देश है वो अल्प विकसित देशों के नेचुरल रिसोर्सेज का गलत यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में ये जो अल्प विकसित देश है यहाँ पे एक ऐसा विशिष्ट वर्ग है जो निजी हित के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी MNCs को, मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या दे रहा है, इन नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा दे दे रहा है ताकि उनको कुछ पैसों का लाभ हो सके, और इस लाभ के चक्कर में ये देश हमेशा पिछड़े ही बने हुए हैं अभी भी, और ये विकास के लिए अपने आज भी संघर्ष कर रहे हैं। पारिश्रव्यवादी सिद्धांत की एक और मान्यता ये है कि समृद्ध देशों की सफलता जो है यूरोपीय देशों द्वारा उपनिवेशी शोषण पर आधारित है, यानी जितने भी अल्पविकसित देश हैं इनका शोषण का एक लंबा इतिहास रहा है और उपनिवेशवादी काल से ही उनका शोषण किया जाता आ रहा है। पांचवी मान्यता ये है कि ये कहते हैं कि जो अल्पविकसित देश है इनको अपने राष्ट्रीय हित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इनको अपनी जनता, गरीब जो जनता है उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि MNCs को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को। अगर उस अल्पविकसित देश की सरकार इस प्रकार से कार्य करे जिससे उनके राष्ट्रीय हित पूरे हो सके, वहाँ की जनता का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, तो फिर ये कार्य अच्छा कहलाएगा, और इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए एक सरकार को कि वह केवल बहुराष्ट्रीय कंपनी को या सरकार को ही लाभ पहुँचाए। पारिश्रव्यवादी सिद्धांत आत्मनिर्भरता की बात करता है और कहता है कि जब तक आप आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास नहीं करेंगे, आपका शोषण लगातार होता रहेगा। पारिश्रव्यवादी सिद्धांत की एक अन्य मान्यता कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर पर ध्यान देना चाहिए और इन क्षेत्रों में हमें काम करना चाहिए। जब हम इन क्षेत्रों में काम करेंगे तो हम जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ को ऑटोमेटिक ही इनको चुनौती देना शुरू कर देंगे और इनके वर्चस्व को ये चुनौती देगी,
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे ऐसे चीज है कि इन डेवलप कंट्रीज को कहीं ना कहीं चुनौती देगी और हमारे हमको उनके बराबर लाकर एक दिन खड़ा कर देगी। तो ये था पराश्रयवादी सिद्धांत या निर्भरतावादी सिद्धांत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।